Hello everyone, here's KK Singh signing in from Chandigarh. I was a physics lecturer when I got into this MBA guided opportunity model, and now I'm building it full time with my family. And today's podcast is going to be very important because we are going to talk about the starting point of this business, dream. Aapne bhi suna hoga iske bare mein. Aur this dream word has been marketed very well by the different corporations, by the different organizations. But ये ड्रीम है क्या, ये कैसे आपको बढ़ने में मदद करेगा और ड्रीम की पावर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, और इसको बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हम सभी के मेंटोर मिस्टर सुमित बहादुर, जो कि ऑलरेडी एक ड्रीम के चलते यहाँ से पहले यूएस गए थे IIT से क्वालिफाई होने के बाद, ही इज़ IIT लुम्बिनी, एंड उसके बाद वहाँ पे जाके जॉब किया, तानिया मिली वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया। उस ड्रीम के चलते उस रोजी लैंड को छोड़कर दे केम बैक टू इंडिया व्हेन इट वाज इन द रफ फेस। व्हाट ही एक्चुअली सॉ, क्या उन्होंने देखा था, इससे बेहतर इनके अलावा कौन और बता सकता है। तो मैं आप सबकी ज़ोरदार वर्चुअल क्लैप्स के साथ इनवाइट करना चाहता हूं, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम सुमित बहादुर। थैंक यू केके, थैंक यू स्पेशली कमिंग फ्रॉम यू बिकॉज आई नो यू आर सच अ बिग ड्रीमर योरसेल्फ। बहुत सी बार हम लोग ये देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, और उनकी बजाय कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सारे टैलेंट्स होते हैं, एजुकेशन होती है, रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते लाइफ में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइफ में एक के बाद एक उनको सफलता मिलती जाती है डिफरेंट चीज़ों में, और उसी के बजाय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी काम करते हैं लाइफ में, लेकिन उनको वो लगता है कि जैसे वो एक परपेचुअल लूप है, चक्रव्यूह है, उसमें मिसफॉर्च्यून, डिस्ट्रेस, फेलियर्स, उसी में मतलब वो घिरे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि लाइफ में कुछ लोग इतना कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं। एक लोग एक ही जीवन में 3 गुना ज़्यादा जी लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही लाइफ में सिर्फ आधा जी पाते हैं। मैंने ये देखा है कि डिफरेंस इज ओनली इन द एबिलिटी टू ड्रीम एंड ड्रीम बिग। फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना ही है कि एक सपने देखते हैं और बड़े सपने देखते हैं। देर इज़ नथिंग मोर सैड देन पीपल जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, क्षमताएं हैं, टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, कैपेबिलिटीज़ जो भगवान ने उनको दी हैं, एंड दे नेवर यूटिलाइज देम, उनको वो इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? बिकॉज वो कभी अपने ड्रीम्स नहीं रखते, कभी अपने अपनी लाइफ को उन्होंने पर्पस नहीं दिया, कोई मीनिंग नहीं दिया, और उनके साथ वो ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान में चली जाती हैं और दफना दी जाती हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड, जहाँ लोगों की बहुत सारी ड्रीम्स, उनके बहुत सारे गिफ्ट्स और टैलेंट्स जो अनयूटिलाइज्ड है वो वहाँ दफना दिए जाते हैं और वो दुनिया के सामने कभी आते नहीं। तो दोस्तों, मैंने यही देखा है कि लाइफ में एम्बिशन, पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब लोगों को ये ढूंढना चाहिए, वी शुड ऑल डिस्कवर वॉट इज़ इट दैट गिव्स मीनिंग टू आवर लाइफ। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है, बिकॉज वी ऑल एज ह्यूमन बींग्स हैव दिस फीलिंग कि हम लोग अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बना सके, मीनिंगफुल बना सके, हमें एक चाह होती है। और पिछले 20-21 सालों में हम लोगों ने इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया है कि वो अपने लाइफ के पर्पस को, अपने ड्रीम्स को डिस्कवर कर सके, उनको अचीव कर सके। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा है, व्हाट हैव वी ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट हैव वी लर्न्ड इन द प्रोसेस। पहली बात तो समझना ये ज़रूरी है कि हमारा जो एम्बिशन होता है, हमारी जो महत्वाकांक्षा होती है, जो सब में होती है, उसके बीज हर एक में होते हैं, इट इज़ बेसिकली मैनिफेस्टेड इन आवर अर्नेस्ट डिज़ायर। हमारी दिली ख्वाहिश जो डिज़ायर होती है वो जो हमें प्रोपेल करती है, हमें ड्राइव करती है आगे बढ़ने के लिए कि हम लाइफ में एक्सेल करें, एक्सेलेंट बने, कुछ अचीव करें, वो चीज़ें पा सके जो हम चाहते हैं लाइफ में, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम्स में फर्स्ट आना हो, या फिर इट इज़ टू पास द IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन टॉप 100, और टू क्वालिफाई इन द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, और लूज वेट, और हैव बेस्ट एजुकेशन फॉर आवर चिल्ड्रन, और बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस, वॉट एवर। तो महत्वाकांक्षा जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, और ये सब में होती है, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है, और इसका जो रिलेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होता है।
अगर आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपने अच्छी किताबें पढ़ी हैं, आपने अच्छे लोगों को सुना है, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स है, तो डेफिनेटली आप महत्वाकांक्षी होंगे ही लाइफ में ज़्यादा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस है बट समहाउ ही इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल हु आर नेगेटिव, हु आर नेसेयर्स, हु आर पुटिंग हिम डाउन, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू लिसन टू देम एंड लिसन टू योर ओन इनर वॉइस। बट मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर महत्वाकांक्षा के बीज होते हैं। I've seen people who are ambitious, they always have a vision. They're always envisioning their life in a certain way. वो हमेशा अपने भविष्य की एक कल्पना करते हैं. They always dream about their future and they're always hoping how to aspire to their ambitions. वो हमेशा एक आशा करते हैं कि हम लोग जो हैं भविष्य में जो हमने देखा है हम उसको पा सकें. और जब लोग एम्बिशियस होते हैं तो उनके अंदर हमेशा एक अर्जेंसी होती है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है टू टेक एक्शन। वो हमेशा वो खाली नहीं बैठ पाते बिकॉज दे आर ऑलवेज फिल्ड विद समथिंग दैट दे वांट टू अचीव। जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस होती है वेयर दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज कि वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचें। और मैंने देखा है कि अगर वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते तो उनको अंदर ही अंदर एक एम्प्टीनेस की फीलिंग होती है। तो एम्बिशन जो होता है वो आपको एक लेज़र फोकस देता है, इट मेक्स यू लेज़र फोकस्ड टूवर्ड्स योर अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। फ्रेंड्स, इफ यू आर एम्बिशियस, माय एडवाइस टू यू इज़ ओनली दिस, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु बिलीव इन यू बिकॉज यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। अ ड्रीम इज़ अ वेरी पावरफुल आइडिया। आपका जो ड्रीम है उसको आप बचा के रखिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए बिकॉज योर ड्रीम इज़ अ बोल्ड विजन ऑफ योर फ्यूचर। एंड मैंने तो क्या देखा है कि वेन पीपल आर ड्रीमिंग बिग इट विल बोथ स्केयर देम एंड एक्साइट देम एट द सेम टाइम। जब आपके सपने बहुत बड़े होंगे ना तो वो आपको एक्साइट भी करेंगे और थोड़ा सा हल्के से डरा या एंक्शस भी कर देंगे आपको। योर ड्रीम विल ब्रिंग आउट योर पैशन एंड योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी। आपका जो ड्रीम है वो आपको तैयार करेगा रिस्क लेने का। इनफैक्ट यू विल एक्चुअली एम्ब्रेस रिस्क बिकॉज मैंने यही देखा है कि जो भी ड्रीमर्स होते हैं ना, दे ऑलवेज आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई देयर इनर लॉन्गिंग और डिजायर टू अचीव व्हाट दे फील दे वांट इन लाइफ। और वो हमेशा अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो अपने माइंड के अंदर, जो एक अंदर की एक आँख होती है ना, तीसरी आँख या माइंड की इनर आई, उसके अंदर वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हमेशा देखते रहते हैं और वो चीज़ उनको इंस्पायर करती है, उनको एम्पावर करती है। तो अब ये सब फ़ायदे जानने के बाद ड्रीम के, आइए हम लोग समझते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द सिम्टम्स ऑफ बीइंग फिल्ड विद अ ड्रीम, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रीमिंग। आइए समझते हैं कि ड्रीम करने का जो ये प्रोसेस है वो क्या है। दोस्तों, जब भी मैं किसी को हेल्प करता हूँ उसका ड्रीम डिस्कवर करने में, तो आई ऑलवेज आस्क देम टू आस्क दीज क्वेश्चंस: व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आपका ड्रीम क्या है, ओके, व्हाई डू यू वांट टू अचीव इट, क्यों आप इसे पाना चाहते हैं, व्हेन डू यू वांट टू अचीव इट, कब तक, एंड हाउ विल यू अचीव इट, कैसे प्राप्त, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। वो लास्ट वाला हाउ जो है उसकी तो हम लोग बाद में बात करते हैं इस बिजनेस अपने एम्बे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के द्वारा, बट आई फोकस ऑन द व्हाट, व्हाई, व्हेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स फोकस ऑन द व्हाट। ड्रीम्स कैन बी इन एनी ऑफ दीज एरियाज। इट कुड बी इन your income, it could be regarding your family, it could be regarding your health, it could be regarding your other interests. So, जब भी आप लिखें अपने dreams के बारे में, so always write down about top 5 things that come to your mind about your income, about your health, about your family, about your life's other interests, and you have to quickly write them. Once you have written them down, एक बार आपने लिख लिया कि आप क्या चाहते हैं, then उसके बाद next question comes, you have to ask yourself, why are these important to me? क्योंकि dreams जो होती हैं, they should be of value to you. Because हर आदमी का एक person, एक purpose होता है, उसका एक personal mission statement होता है life में, जो कि उसको discover करना होता है. And this personal mission statement of what is valuable and meaningful to you, ये बहुत ही personal होता है. कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ का भी अलग अलग होता है, बच्चों का तो अलग होता ही होता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ अ वन ऑन वन, यू हैव टू डिस्कवर योर पर्पस। तो जब मैं लोगों को उनका उनकी वजह पूछता हूँ कि ये आपको क्यों चाहिए, तो बहुत ही बार क्या होता है ना कि मुझे बड़े उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं। आई गेट ऑल काइंड ऑफ आंसर्स, यू नो,
People write, for example, as wanting, for example, a Lamborghini. So when I ask them why, people are just saying that because it's cool, because उन्होंने इसको देखा है, उसके वो मेरे को technical features गिराने लगते हैं. And I tell them, look, that's not the reason why you want it. अगर कोई चीज़ आपके dream पे सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उसको लोगों के सामने दिखा के उसकी उसकी डिंगे मारने का अधिकार आपको मिल जाए, if you are putting something in your dream board only because you want to have bragging rights in front of other people, इसका मतलब तो ये है, you are not thinking about how that is going to add value in your life. तो जब मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनका ड्रीम फिगर आउट करने में, तो आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस ऑन द व्हाई ऑफ एवरी ड्रीम. एंड व्हाट आई हैव फाउंड आउट इज दैट देयर हैज टू बी अ पर्सनल कनेक्ट, और उसको उस पर्सनल कनेक्ट को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली जब मैं किसी को हेल्प कर रहा था अपने ड्रीम फिगर आउट करने में, तो देव हैड पुट अ ड्रीम दैट दे वॉन्ट टू विजिट माउंट किलिमंजारो. And when I probed, why do you want to visit Mount Kilimanjaro in Japan? Is it just because aapne social media pe koi cool picture dekhi hai uske bare mein in someone's real highlights? They said no, because they were a Reiki practitioner and they felt that there is a spiritual and energy connect that they feel towards that place jahan se birth hua tha Reiki ke jo master hain, original grand master unka. तो इस केस में मैंने उनको बोला कि ठीक है, दिस इज़ द वैलिड रीज़न टू पुट दिस ऑन योर ड्रीम, बिकॉज मेरे को वो वजह सही लगी. सो दोस्तों, जो भी आपके जो ड्रीम्स आप लिखते हैं उनके साथ आपका एक डीप कनेक्ट, इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगर सिर्फ लोगों के सामने दिखावा करने को आप कोई चीज़ अपने ड्रीम पे लगा रहे हैं, तो वो आपको खुशी कभी देगी ही नहीं. कुछ लोगों के ड्रीम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं शुरू में, दैट इज़ फाइन, बिकॉज उन्होंने कभी इस प्रोसेस से वो गुजरे नहीं. And that is okay, they can start with small and then become big. लेकिन कुछ लोगों के dreams जो होते हैं वो शुरू में ही इतने बड़े होते हैं कि वो हवा में घूम हो जाते हैं, they get lost in the clouds, you know. And वहाँ पर मैं उनको समझाता हूँ कि ठीक है, आपको आपका jet चाहिए, आपका airplane चाहिए, you know, but उससे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, let's talk about that. एक यंग लड़का है, उसको स्ट्रेट अवे Lamborghini चाहिए. I said ठीक है, फाइन, आपको Lamborghini चाहिए, लेकिन क्या आप उसको कल्याण में अपने छोटे से वन बेडरूम फ्लैट के आगे पार्क करोगे क्या? तो उससे पहले और क्या क्या करना है आपको, वो भी लिखो आप. तो वन हैज़ टू बी ऑलवेज रियलिस्टिक दैट यू नो दे कैन स्टार्ट स्मॉल एंड बिकम बिग, बट दे शुड नॉट स्टार्ट सो बिग इट बिकम्स अनरियलिस्टिक. जब मैं लोगों से उनके ड्रीम्स लिखने को बोलता हूँ, तो बहुत सी बार ये भी देखा है मैंने कि लोग अपने 25-30 ड्रीम लिख देते हैं जो जो उनको लाइफ में चाहिए. तो उस वक्त मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों में अगर आपको टॉप 5 चीज़ें चुननी पड़े तो क्या चुनोगे? एंड आई फाइंड पीपल स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट द टॉप 5 ड्रीम्स इन एनी एरिया ऑफ लाइफ. और मैं इनको बताता हूँ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर 25 ड्रीम्स लिख देंगे और वो भिन्न भिन्न टाइप की चीज़ें हैं एंड देर ऑल डिफरेंट थिंग्स, दैन दे आर गोइंग लिटिल बिट कन्फ्यूज. लेट्स फिगर आउट व्हाट आर द टॉप 5 एंड गो आफ्टर द टॉप 5. फर्स्ट आपने जब टॉप 5 चीज़ें अचीव कर ली जो आपको लाइफ में बहुत सेटिस्फैक्शन दे रही हैं, फिर हम बाकी ड्रीम्स लिखेंगे. तो ये प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फोकस, टू अंडरस्टैंड वेयर इज़ योर फोकस राइट नाउ. क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि लाइफ में जब तक फोकस नहीं होगा ना, तब तक हमारी एनर्जीज जो है वो कंसंट्रेट और मल्टीप्लाई नहीं होती हमारे ड्रीम्स की तरफ. एक बार आपने जब अपने ड्रीम्स लिख लिए, उसके बाद हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं कि उन ड्रीम्स को भी हम लोग जो है ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में, कंपोनेंट्स में, और फिर हम लोग बताते हैं कि जो बड़ा ड्रीम आपने बनाया है इसको हम लोग जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो. और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब हम अपने ड्रीम्स को कंपोनेंट्स में, पीसेज में, टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, तो हमें वो पूरी की पूरी ड्रीम जो है वो आसान लगने लगती है. और जब हम एक चीज़ ट्राई करते हैं और लगा कि वो चीज़ काम नहीं कर रही है, तो हम लोग अपलाइन, मेंटर, कोच से सलाह मशवरा करके, कुछ वर्किंग पैटर्न चेंज करके, कुछ और ट्राई करके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हासिल करते रहते हैं, ताकि हमको हमेशा ये फीलिंग होती है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. बिकॉज कोई भी जो रास्ता होता है आपके ड्रीम तक पहुंचने का, वो कभी भी सीधा रास्ता, लीनियर रास्ता नहीं होता है. वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा. आप बीच में मिस्टेक्स करेंगे, आप गिरेंगे, संभलेंगे, कुछ सीखेंगे, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, आपके स्किल्स डेवलप होंगे, यू विल लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड, आपकी जो पेशेंस है, आपका जो परसिवियरेंस होगा उसको आप थोड़ा और मजबूत करेंगे. इट इज़ वेरी रेयर कि यू विल अचीव योर ड्रीम ओवरनाइट. इट विल टेक हार्ड वर्क एंड पेशेंस. लेकिन होगा क्या, आप उसमें अपने बारे में बहुत कुछ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, विच इज़ वाई वी से दैट यू नो लाइफ में सक्सेस जो है इट इज़ नॉट अबाउट अचीविंग अ ड्रीम, इट इज़ ऑल अबाउट
द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दैट ड्रीम, जिसमें यू ग्रो योर सेल्फ एंड यू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु यू नेवर थॉट यू कुड बी. एंड मेक श्योर टू ऑलवेज राइट डाउन योर ड्रीम्स, यू नो द वेरी एक्ट ऑफ राइटिंग डाउन योर ड्रीम, जब हम अपने ड्रीम्स को लिखते हैं अपने हाथ से, इट बेसिकली सिग्निफाइज अ कमिटमेंट टू आवर सेल्व्स, जो हम अपने आप से कर रहे हैं कि आई एम विलिंग टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू अचीव माई ड्रीम. ये एक प्लेज है, एक प्रण है जो हमारा अपने आप से है अपने माइंड में. यू शुड बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक रिगार्डिंग वॉट योर ड्रीम इज, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव, वाई यू वॉन्ट टू अचीव. वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उसमें लिख दीजिए. एंड ऑफकोर्स द हाउ पार्ट जो है उसमें राइट डाउन अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट what achievement process in the Amway opportunity will allow you to achieve that particular dream. तो ये सब description में होना ज़रूरी है, because ये जब आप लिखेंगे अपने हाथ से, that gives power. And then the next step is to always have a visual portfolio, a dream vision board, जहाँ पर आप अपने dream से connected different monikers, pictures जो है लगा सके, either in a digital or in a hard format, because अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को वो पिक्चर्स जो हैं वो दिखनी चाहिए. क्योंकि जब आपका जो डीपेस्ट पार्ट है आपके माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का, वो आपकी वो इमेजेस जो आपके सक्सेस पोर्टफोलियो में हैं उनको बार बार देखेगा, तो वो अंदर ही अंदर आपके ब्रेन के अंदर एक बीज की तरह, इट विल कीप ऑन फर्मेंटिंग एंड इट विल कीप ऑन रिमाइंडिंग योर ब्रेन एंड द यूनिवर्स अबाउट How badly you want them in your life, ताकि आपका जो subconscious mind है वो आपको बार बार कुछ clues और ऐसे ऐसे opportunities के बारे में guide करता रहे, ताकि आप उस दिशा में बढ़ते रहें. दोस्तों, कोई भी dream जो होती है कभी भी किसी instruction manual के साथ तो आती नहीं है, तो you have to figure things out by yourself, and that is why you have to always make sure that you take the feedback and constant counseling and guiding of somebody who is your coach and mentor in life. Make sure ki aap unka feedback regular basis pe lete raho aur apna course correction karte rahe, because that is a very very valuable asset you have in life, in our ecosystem. Because one of the big reasons why people's dreams are not achieved is क्योंकि बिना proper planning के, poor execution के साथ शुरू करते हैं अपने dream के achievement process को. Lack of confidence, poor self-image, जो आसपास negative लोग होते हैं जो doubts डालते हैं mind में, they make you pessimistic, thinking about failure instead of success, हम उनकी बातें सुन लेते हैं. Good execution जो है अपने dream की तरफ बढ़ने के लिए, वो एक बहुत बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है. और इसीलिए मैं आप लोगों को ये अर्ज करूँगा कि जो भी आपके कोच मेंटर है, जो भी आपकी एसोसिएशन है जो आपको हेल्प कर रही है आपके ड्रीम की तरफ मूव करने की, चाहे वो घर में है, चाहे वो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ऑलवेज बी टाइट विद देम. जितने भी बड़े बड़े ड्रीमर्स हुए हैं उन सबको दिक्कतें आती हैं, पर जब भी दिक्कतें आती हैं, बिकॉज दे हैव अ ड्रीम एंड अ विजन बोर्ड, वो अपने घर पे अपने ड्रीम्स लिखे हुए उनके पास होते हैं, वो हर रोज़ लिखते भी हैं एक जर्नल बना के अबाउट हाउ दे अचीविंग देयर ड्रीम्स. सो व्हाट हैपेंस इज दैट दे आर ऑलवेज टेकिंग एक्शंस, यू नो उनका जो सेल्फ बिलीफ है बहुत स्ट्रांग होता है अपने पे. तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगा कि क्रश योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स. कोई भी आपको कुछ भी बोले उसकी बात मत सुनो. ऑलवेज प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक. ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी अ चैम्पियन. और ये जो फियर है फेलियर का, इससे हमेशा 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 के लिए बचिए, बिकॉज ये जो है बड़े बड़े ड्रीम्स को जो है वो ख़त्म कर देता है. इट किल्स बिग बिग ड्रीम्स, दैट फियर ऑफ फेलियर. यू नो व्हेन यू एमिंग फॉर बिग थिंग्स इन लाइफ, ऑलवेज अलाउ अ लिटिल बिट ऑफ रिगलिंग रूम, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी. बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी एक चीज़ पे जिद लेके अड़ जाते हैं, और अगर हमें अपने प्लान थोड़े बहुत भी चेंज करने पड़े तो इट काइंड ऑफ पुट्स अस ऑफ. इस चीज़ से बचिए. कीप योरसेल्फ अडैप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, विच इज़ व्हाई आई एम ऑलवेज एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ काउंसलिंग एंड मेंटरशिप, इन सब पिटफॉल से बचने के लिए. दोस्तों, इस दुनिया में देखा गया है कि जब भी बड़े बड़े ड्रीमर्स जो हैं आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई उन पर हंसने आ जाता है, तो लोगों का क्रिटिसिज्म जो है उसको पॉजिटिवली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने देखा है कि इंडिया में लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, दे आर लिटिल बिट थिन स्किन्ड, और इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की बातें चुप जाती है. लेकिन जब लोगों की बातें चुपती हैं उसको भी हमें पॉजिटिवली लेना है, बिकॉज द फीलिंग शुड बी कि ठीक है, आज वो मुझ पे हंस रहे हैं, कल वो मेरी जय जयकार करेंगे, एंड दैट शुड बी लाइक अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू. यू नो
मेरे को दोस्तों इट ऑलवेज फील्स वेरी एक्साइटिंग एंड इनकरेजिंग जब मैं और ड्रीमर्स को देखता हूँ अपने अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं, आई ऑलवेज गो हेड एंड क्लैप फॉर देम एंड चीयर फॉर देम. वर्चुअली फिजिकली मिलता हूँ या जूम पे मिलता हूँ तो आई ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट देम. वाई? बिकॉज आई फील कि इस दुनिया में हमें ड्रीमर्स की ज़रूरत है. अदर पीपल्स बिग ड्रीम्स और अदर पीपल्स ड्रीम्स आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज माई ओन. ऑलवेज 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 मेक श्योर दैट यू नो यू लिव अ वेल बैलेंस्ड लाइफ, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े ड्रीमर्स और अचीवर्स हैं दे ऑलवेज रिमेंबर टू टेक गुड केयर ऑफ themselves. They have fun in life, they get enough sleep, they're always treating their body, their health with a lot of kindness and a lot of mindfulness, they get good nutrition, they always have an attitude of gratitude. Ye sab cheeze bahut zaruri hain. Make sure that you know, be kind and generous to others, let go of any worry, be humble, make time and make room for some prayer in your life, because anytime you are going on a big journey, always take blessings of God in your life. तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैंने देखी हैं अपने लाइफ में जो बहुत ज़्यादा काम करी हैं. एज यू ऑल नो कि मैं और तानिया जो है वी हैव ऑलवेज ड्रीम्ड बिग इन लाइफ, और हमने ये देखा है कि लाइफ इज़ एन एडवेंचर और उस एडवेंचर में ड्रीम्स तो पूरे होते हैं एक के बाद एक. यू नो वंस यू फुलफिल वन ड्रीम यू पुट समथिंग एल्स ऑन योर विजन बोर्ड, बट इन द प्रोसेस व्हाट यू बिकम इज़ योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ टू ह्यूमैनिटी बट ऑल्सो टू गॉड. बिकॉज भगवान ने हमें अपनी इमेज में बनाया है ताकि हम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर सकें. और मुझे लगता है कि अगर हम लोग ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स ढूंढते रहें, लिखते रहें और इस प्रोसेस से गुजरते रहें तो एक ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है हमारी लाइफ में जब हर एक आदमी को ऐसी फीलिंग होने लगती है कि उसके अंदर सुपर पावर है. एंड आई थिंक ये सुपर पावर कोई भी डेवलप कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस लाइफ में. एवरी बडी, भगवान ने सबको बनाया है एक सुपर पावर के साथ. सम पीपल थिंक दैट ओ गॉड फॉरगॉट अबाउट मी, मे बी मेरे को उन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, मेरे को लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही हैं. दोस्तों लेट मी टेल यू, गॉड डज नॉट डू रैंडम. भगवान कोई भी चीज़ अकस्मात नहीं करते. हर पर्सन जो है इस धरती पे पैदा हुआ है फॉर फुलफिलिंग सम स्पेशल पर्पस इन देयर लाइफ. लेकिन अगर आपने अपना पर्पस लाइफ में नहीं ढूंढा देन द जोक इज़ ऑन यू. मजाक आपका खुद अपने ऊपर हुआ है, भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है. बिकॉज गॉड हैज़ मेड यू फॉर समथिंग स्पेशल. सो गो फिगर आउट योर ड्रीम्स, वी विल हेल्प यू, योर यूनिवर्स विल हेल्प यू एंड गो अचीव देम. वी बिलीव इन यू. गॉड ब्लेस यू. टॉक टू यू नेक्स्ट फ्राइडे.